कर मैं हूं आपके साथ इंशान नेशनल टू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। ट्रक चालकों की हड़ताल बनती जा रही है मुसीबत। बाहरी शहरों से शहर में आने वाले माल की खपत हुई ठप। कई उत्पादों पर मारामारी हुई शुरू। ड्राइवर के लिए कानून में किए गए संशोधन के बाद ट्रक एसोसिएशन के चालक हड़ताल पर है। आज दूसरे दिन भी फिरोजाबाद में दिखा ट्रक चालकों की हड़ताल का असर। पेट्रोल पंपों पर दिखाई दी जल्दबाजी में पेट्रोल लेने की आपाधापी। सुनने में यह भी आ रहा है कि हाईवे पर कई पेट्रोल पंपों पर हो गई है पेट्रोल खत्म और वह बंद हो गए हैं। शहर में भी दिखाई दे रही है पेट्रोल की किल्लत। किसी पेट्रोल पंप पर लगी भारी भीड़ तो किसी पर आराम से मिल रही पेट्रोल। एक या दो लीटर पेट्रोल लेने वाले कर रहे हैं अपनी टंकियां फुल। अंदेशा है कहीं हो ना जाए पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म और गाड़ियां ना रह जाएं सड़कों पर खड़ी। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि कल तक का स्टॉक है, अगर नहीं आती गाड़ियां तो हो जाएगी पेट्रोल खत्म। वहीं कुछ पेट्रोल पंप कर्मियों का ये भी कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, नहीं होगी किल्लत। आज फिरोजाबाद शहर के जैन मंदिर के समीप स्थित चंद्रा पेट्रोल पंप पर दो पहिया वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हुए भी नजर आए। वहीं ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवाते हुए दिखाई दिए। वहीं कुछ पेट्रोल पंपों पर यह भी देखा गया कि लोग बोतलों में भी पेट्रोल भरवाते हुए ले जा रहे हैं। वहीं शहर के कुछ अन्य पेट्रोल पंपों पर जहां कभी एक दो गाड़ियां ही नजर आती थी, आज वहां 10 से 20 की संख्या में गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। और ज्यादातर मोटरसाइकिल चालक अपनी गाड़ियों में टंकियां फुल करवाते हुए भी नजर आए। और क्या कहा पेट्रोल लेने आए लोगों ने और पेट्रोल पंप कर्मियों ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाँच सौ रुपए का लिया हमने, 100 रुपए का, 150 रुपए का पेट्रोल लिया। आए पेट्रोल पंप बंद होने वाला है, इसलिए पेट्रोल खत्म होने वाली है। पेट्रोल इसलिए खत्म हो रही है कि क्या कहते सब भरवा रहे हैं, इसलिए कहीं से आएगा नहीं, बता रहे हैं लोग आएगा नहीं, चक्का जाम है। इसलिए चक्का जाम क्यों है? ड्राइवरों की वजह से। कितनी भीड़ क्यों है? जाने सर भीड़ तो काफ़ी है, पेट्रोल की सुनवाई है ना मिलने की। आप कौन सी गाड़ी लेके आए? एम्बुलेंस। आप कितने की पेट्रोल लेके आए? पेट्रोल टैंक फुल कराने आए हैं सर। जैसे आप डेली कितने रुपये की लेते थे? डेली वही 500-700-800 हज़ार। आज आप क्यों आए? आज अब वही है ना, पेट्रोल का एक मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है, मिलने ना मिलने की संभावना कुछ अलग लग रही है। अगर नहीं मिला आपको भाई पेट्रोल, पेट्रोल से ही गाड़ी चल रही, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? अगर एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा वही होगा, वो तो भाई दिखाई देगा क्या होगा। पेशेंट होगा तो है ना भाई, पेट्रोल नहीं है गाड़ी जा नहीं पाएगी, और क्या होगा? तो पेशेंट को हानि होगी, पेशेंट का नुकसान होगा ना। बिल्कुल भाई, जिंदगी का सवाल है सब चीज़ें भैया। पेट्रोल अब आएगा नहीं तो सभी लोग अभी आज ही करा ले रहे हैं, फुल खत्म हो जाएगा आज। आपने पेट्रोल कितने की ली? मैंने भाई 600 रुपए की ली है अपनी, और सारे बंदे कोई भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 500 से 600 तक का ही ले रहे हैं, कोई भी 100 रुपए वाला नहीं है, सिंगल बंदा। तो सरकार के कानून के लिए आप क्या कहना चाहते? सरकार को ये कानून जो बनाया है ये खत्म करना चाहिए, जो पहले था वही रहना चाहिए। भीड़ तो ये हमारे हर वक्त लगी रहती है वैसे तो। आपको ज्यादा भीड़ नहीं? हाँ, किसी ने अफवाह वगैरह फैलाई है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। आपके पास है स्टॉक? अभी अभी तक तो अभी तो है हमारे पास। कब तक का स्टॉक है आपके पास? ये तो ये बता नहीं सकते, सेल के ऊपर है ये। कल आप बेच लेंगे पेट्रोल? हाँ बिल्कुल। अगर कैसे हाँ गाड़ी अगर हमें पेट्रोल की मिल जाती है तो बेच लेंगे। हाँ अभी तो है हाल फिलहाल, देखो जब तक चल रहा है पेट्रोल। भीड़ क्यों? हड़ताल है ड्राइवरों के, इस चक्कर में लोग ये सोच रहे हैं हड़ताल है, पता नहीं कब तक माल मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा। आज लोग पेट्रोल कैसे ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं? टंकी भुलकर आ रहे हैं, कोई 500 की, कोई 700 की, कोई 800 की, जो लेते थे 100-200 की वो 500-500 1-1 हज़ार तक खूब ले रहे हैं। आपके पास अभी कितनी पेट्रोल? हमारे पास अभी 2-3 दिन का स्टॉक है।
अगर किसी तरह की भीड़ रही या इससे ज्यादा भीड़ हुई तो आप 2-3 दिन पेट्रोल दो, हाँ बिल्कुल 2 दिन चल जाएगा, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी गाड़ी। और कब तक आने की उम्मीद है? कल कल तक तो देखेंगे, उम्मीद करेंगे कल आ जाए, कोशिश करेंगे कल आ जाए। और आप पेट्रोल के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये पेट्रोल पंप फैजाबाद फ्यूल एंड सर्विसेज, यहाँ के ओनर है अमित कुमार मित्तल। सुबह कैसा माहौल है? सुबह से और दिन की अपेक्षा भीड़ भाड़ ज्यादा है। जो जो कस्टमर 100 की लेता था वो आज 200 की 300 की 400 तक ले रहा है। आपके पास पेट्रोल का स्टॉक कितना है? अभी हमारे पास है 2 दिन का स्टॉक है हमारे पास। कब तक आने की उम्मीद है? गाड़ी आएंगी या तो शुक्रवार को या शनिवार को आएगी। तो उस बीच तब तक फिर क्या होगा? तब तक अगर खत्म हो जाएगा तो बंद पेट्रोल पंप बंद कर रहेगी। ऐसा क्यों? ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है, हमारे ट्रक के ड्राइवर भी हड़ताल पे हैं। एक गाड़ी तो हम खुद लाए थे ना, तब आ पाई है। अच्छा, रोज के अपेक्षा आज आपकी पेट्रोल ज्यादा है? कितनी कैसे हुई? डबल डबल सेल है। डबल सेल।